सही है, वरना मुझे लग रहा है कि शायद से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपस में ही देखिए, ये लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बात कर लेते कि यार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोले नहीं भाई सब कुछ ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम वापस फोन में जाते हैं, आप वापस शुरुआत कीजिए। सो आई गेस द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्वड एंड सारंग आ चुके हैं, शुरुआत करेंगे सीक्रेट को टेक डाउन करते हुए। सो दैट्स एज आई सेड, ये लोग बहुत बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। देखिए लाइफ में इतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हम फैन से भी उतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इतना अंडरस्टैंडिंग आप बना के रखिए, आपके सेहत के लिए भी वो अच्छा होगा। अरे तो एक्सपेक्टेशन चेंज करना बहन, जो इतना बोल रहा है, कैसे हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग है हर एक प्लेयर है, पर सारंग की बातें बहुत अच्छी, लोग अंडरस्टैंडिंग की बात चोती पे शुरुआत जो की ब्लॉकबस्टर हिट, हम यही रहते इस मैच में हमें देखने को मिलेगा। बट वहां पर देखिए सारंग बिल्कुल बीच में थे, एक्चुअली एश पावर एक अच्छी हाइट अटेन करके बैठे हैं, सीक्रेट क्या इस बात को जानते हैं, इस बात से महरूफ है पूरी तरीके से। यस पर स्टार्ट कर लिया था, स्प्रे गया, बट जैक्सन गेट्स स्पॉटेड एंड बीन मॉल्ड डाउन ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और स्पीड स्लो करी थी सारंग की, बट पीछे से एश पावर द क्लोज रेंज चैंप कम्स अप विद एन अनदर फ्रीकिंग पिक, बट जैक्सन की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, एजिलिटी देखिए, आगे बढ़े इंस्टेंट वो पिक कंफर्मेशन, 4-3 का स्कोर शुरुआत में ही, एंड टीम हाइड्रा के फैंस हेल हाइड्रा करते हुए कमेंट सेक्शन। वेल देखने वाली बात है, देखिए एक बड़ा अच्छा कंटेस्ट है, ड्रैगन एम्परर्स यानी हमारे तीन तीन ड्रैगन एम्परर्स क्या होता है बेंचो, फ्रॉम साइड ऑफ हाइड्रा 7 सी का एलिमेंट है वाटर, फायर एंड वाटर का ये कॉम्बिनेशन। देखिए मैं थोड़ा बहुत अलग चीजों पे जा रहा हूँ, बट डेफिनेटली एक फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन जब होता है तो हम देखते हैं कभी किसी का पलरा भारी होता है, बट वो यहाँ पे भी इम्प्लाई हो रहा है, जहाँ पे कह सकते हैं फायर के ऊपर ओवरपावर कर सकते, बट कभी सीक्रेट पानी है बट आग बुझती नहीं, एंड वही यहाँ पे शायद चल रहे, बिकॉज Dragon Emperors, they are ruling out with all the fire pit they are having right now as 7C. उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी सिचुएशन बन सकती है। 10-5 का स्कोर लाइन, 5 पॉइंट के लीड के साथ टीम Hydra Official, they are roaring up. ऊपर एडवांटेज है, हेडेड चिपकती है पूरा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीम हाइड्रा के पास दोनों ही चीजों का कंट्रोल रहने वाला है। 7C ईस्पोर्ट्स समुद्र के मॉन्स्टर्स, बट यहां पर भाई ड्रैगन्स हैं वो दाड़ रहे हैं वाटर क्लोन जुत्सु के अगेंस्ट, देखते हैं क्या सोच रहती है बड़े वाटर क्लोन जुत्सु, ये भी नरुतो देख रहे हैं क्या, तैयार है सीक्रेट अपने एंगल होल्ड कर बैठे हैं, ये काफी प्रेडिक्टेबल पोजीशन पे दोनों ही प्लेयर्स आ रहे हैं, इसके कारण बहुत क्रिंज बना रहे लोग कास्टिंग में, पहले प्रहार कर ले, नया कास्टर से ना चलता है ना, पावर को चेज करा जा रहा है सीक्रेट अलग एंगल से, पर भाई हेड बॉडी पे क्या मूवमेंट है इस पावर के, इसी प्रकार भाई क्या मारा है इस पावर ने, सारंग एंड इस पावर ने दो इस पावर बताइए, प्रीफायर में चिपका दिया उधर और करीब जाते हुए उस डिफरेंस, उसे रिफ्लेक्स में प्रीफायर में चिपकाया उसको, तैयार है ऑपोजिशन डिक्सन बोरिंग लग रहा है, इसलिए मैं नहीं देख रहा कास्टिंग में, सुन रहा हूँ तो कहीं पे वाटर एलिमेंट का पलरा भी भारी हो रहा है, मतलब देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं है, बट जब आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, बराबर कर रहा है, इस बार स्टैंड आउट करने का चांस नहीं दे रहे, आप एक मारोगे तो हम दो बार दोनों को एक साथ लेके जाएंगे, इस पावर का ये एक ब्लाइंड एंगल से घुस के मारना ये बहुत ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहा। 11-11 इज द स्कोर लाइन, जहां पे हाइड्रा एंड 7C दोनों के बीच में बहुत मारना इस पावर के बस वेस्ट नहीं है, जिसको क्या पता है सत्तर के बीच में कोई एक टीम आगे आएगा, बट जैक्सन या सीक्रेट कौन सी टीम आगे आएंगे वो हमें देखने वाली बात, लाइक एज अ प्लेयर कौन सा प्लेयर अभी इमर्ज करेगा अपने साइड ऑफ हाइड्रा वो हमें देखने वाली बात है, पर सीक्रेट ऑलरेडी उनकी जो हम कह सकते हैं फंस गया एक जगह पे, बोला ना गलत जगह पे फंस गए वो लोग पैनिक में खेल रहा है ऐसे लगा मेरे को, तो अपनी लीग अच्छा लीड बना चुके हैं, क्या शानदार शुगलबंदी देखने को मिली जैक्सन एंड सीक्रेट के बीच में उस वेयर हाउस के यू नो अंडर वाले कंपाउंड में या फिर उस एरिया में जो फाइट वो पार्टिसिपेट हुई है, पर एक चीज देखिए एस पावर प्री फास्ट के ऊपर फोकस अभी नहीं है, वेट करें सही टाइम पर बिल्कुल प्रिसीजन वाला एंगल लेंगे, आगे की ओर बढ़ा है एक बड़ा फुटस्टेप यहां पर आगे बढ़े, बट देखते हैं पिक लेंगे कि नहीं, जैक्सन आगे की ओर बढ़ते हुए डैमेज ले लिया एस पावर ने, मूवमेंट दिखा रहे बट लेट्स सी इज ही गोना कनेक्ट इट और नॉट, एंड यस ही कनेक्ट्स इट, जैक्सन विद द ब्यूटी ऑफ हिज ओन, बाय बाय एस पर क्या As per I think Hydra should get PMGC invite because as per their fans Hydra is India's best.
As for your father, when more heated up, you are his life's biggest mistake. एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है, एक तुम्हारे फादर फादर बहुत दुख में है, बहुत जिंदगी में बहुत बड़ा गलती कर लिया, वो गलती तू है। राज बन के आए थे एस पावर एंड उनको भी टेक डाउन करें, बट जैक्सन मैन ही इज रेडी टू शो सम डांस एंड एक और पिक निकाला है, 10 फिनिशर पर सिक्योर करते हुए, बट एचपी लो है, वेस्ट भी डाउन है, इसीलिए फाइट पे डायरेक्ट जा रही है, बट सोरन सरप्राइजिंगली कॉट ऑफ कर लिया, पीछे से बैकअप जरूर आया था उनके टीममेट का, बट लेट हो चुका था काफी। Well, definitely, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, but secret has been picked off. Spawn की HP कम रहेगी, अगर जैक्सन अभी कोशिश कर रहे कि नहीं हमें थोड़ा सा aggressive जाके अपेक्स निकालना चाहिए, then he can actually go for that. But Jackson की बात करें तो ये Spawn के ऊपर जॉब नहीं की। 1915 is the score line. So अभी secret इन सारन की बात करें, अभी के लिए कुछ इधर बहुत अच्छी चली, but now Spawn the 1v1 champ, जिनको हम जानते close range में की जो दहाड़ है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, but Spawn this time overpowers. जीरो एचपी थी, उसके बाद उन्होंने एस पावर से फाइट लेके उनको खत्म करा। ही इज अ फ्रीक फॉर श्योर, अ स्केरी गांड फाड़ देना उधर जैक्सन ने, घूम के दे दिया। क्या-क्या वैसिबिलिटी ये क्रिएट कर सकेंगे इस गेम। आह नाइस, एस पावर स्कारल क्यों चला रहा है? इस कारल अच्छा चिपकती था क्या? वो इसे मेगा इसलिए लगती है, कभी इस कारल हक भी देती है बहुत गंदा। चढ़कर इस मैच के ऊपर एंड एक बहुत स्ट्रांग होल्ड पोजीशनिंग ऑलरेडी बना ली है। बट कारल चिपकती ना भाई, ऐसे गलत चिपकती पता, इसलिए ये चलाता है, सीक्रेट बहुत चलाता है स्कारल। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सारा, ओ वो देख कैसे चिपका, देखा पूरा हेडेड चिपका इधर, राइवलरी क्रिएट हो रही थी, उसको एक अंत तक लगाया है। बट अभी टीम हाइड्रा ऑफिशियल, क्या शानदार पोजीशनिंग, क्या शानदार होल्ड है, बिहोल्ड द ऑलमाइटी जैक्सन, ही इज इन हिज इमेंस सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ। अभी के लिए भाई क्या कूदा है सीक्रेट, कूद के चार्जेस प्राप्त किया और जैक्सन ने वो किल कंफर्मेशन ले ली है। 24-19 का स्कोर, क्या यहां पर टीम 7C स्पोर्ट्स कुछ कर पाएगी? नेकोस, well I would say that 7C को अभी बहुत बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी अगर उनको ये मैच जीतना है। हाइड्रा को इतनी जल्दी इतनी आसानी से ओहो चल घुस, पावर को डैमेज मिला है, जैक्सन यहां पे तैयार जरूर से, सीकर उधर से आएगा नहीं घुसेगा वो, अरे सीकर भी इधर से आ रहे बक, जैक्सन की तरफ से डिफरेंट एंगल होल्ड किया जा रहा है जैक्सन, अरे मारना ब्रेक आउट, अरे उनके बीच में देखने मिल रहा है जो कि सही नहीं है, सही नहीं होगा दो यहां, भाई कैसे होल्ड होल्ड गेम पे चलते, इसलिए मैं नहीं खेलता टूर्नामेंट, सारा दिमाग खराब हो जाता मेरे को होल्ड में। एंड जैक्सन कमिंग अप ऑल ये हो गया, जीत गया हाइड्रा, की जरूरत 40 सेकंड का टाइम, सीक्रेट वर्सेस पावर, एनीथिंग कैन हैपन, अ सीक्रेट नीड्स वन मोर, कैसे घुस रहे घुस के मार रहा है बैठे दोनों, 25 चार पॉइंट का डिफरेंस अभी भी मेंटेन करते हुए सारंग, हो गया खत्म गेम भाई। एस्पोर चोक हो रहे हैं, ये मैच बहुत चोक है एस्पोर ने, इस मैच से एक हार का रूप लेके निकलती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज़ 15 सेकंड, ये हो गया डिमोटिवेट, वो लोग पॉइंट्स दे रहे हैं अभी जाके इस मैच में। टीम 7C का जैक्सेशन हो चुका है, क्योंकि जैक्सेशनल इतना बेहतर पिस्टल बेल रहा है साला, अपने ही कुछ बेहतरीन वर्ल्ड लिखती है। एंड बात करूं तो एस्पोर चोक को इसमें क्या शानदार सपोर्ट उनको देते हुए दिखाई दिया इस पूरे मैच, out with everything they've got, P18C se Saran ko finish off kiya jayega, that is 20 ka ye aankda chalta hua 13 point ka difference, jahan autobots is match ko easy way pe kya, are ma kasam galat troll kar raha hai spore ko, are mat kar bhai tum log pagal hai kya, bench ko kyu troll kar rahe ho।